नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट राजा वीडियो में। दोस्तों बहुत लोगों ने कमेंट किया कि SDO और DC से जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। दोस्तों जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो बहुत जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने जाएंगे कि SDO और DC से जाति प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करें OBC के लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम फिर बताना चाहेंगे आप लोगों को कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट करें। दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले सर्विस प्लस खोलना है, ठीक है। दोस्तों सर्विस प्लस खोलने से यहाँ पे व्यू सर्विस में जाना है और यहाँ पे देखिए दोस्तों बताएंगे आपको, देखिए किस में आपको जाना है। सो दोस्तों यह है ना कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC माइग्रेंट। दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे मेरा खुल जाएगा OBC है ना। यहाँ पे नॉर्मल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेट डालेंगे मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे ईमेल जो भी है सिलेक्ट करेंगे हम। दोस्तों देखिए यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, दोस्तों यहाँ पे जाति सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम OBC सिलेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी जाति हो यहाँ पे लिख दें, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ पिता का नाम डालेंगे, पे हमको जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्राधिकार पूछ रहा है, इशू अथॉरिटी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे डालना है CO, ठीक है, और यहाँ पे CO डालना है और यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना है JHNBC 2019/45-421। दोस्तों यहाँ पे हमको डेट सेलेक्ट करना है। दोस्तों ये पहले आपको अंचल अधिकारी से CO बनाना, अंचल अधिकारी से बनाना होगा जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको देखिए ये बनाना है माइग्रेंट बाय OBC बनाना है। उसके लिए यहाँ पे अंचल अधिकारी का जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है उसका नंबर मांगेगा, यहाँ पे फिर एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, यहाँ पे स्टेट डाल देना है, यहाँ पे सब डिविजनल डाल देना है, यहाँ पे सर्कल डाल देना है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन डाल देना है, यहाँ पे पोस्ट डाल देना है, यहाँ पे पिन डाल देना है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो स्थान है वो किस पे प्रोसेसिंग हो, यहाँ पे लिख रहा है आवेदन वर्तमान पते पर अग्रसारित होगा, तो वर्तमान पता जो है वहीं पे बनेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे रूलर में क्लिक करना है, ब्लॉक को चूज करना है, पंचायत को चूज करना है आपका, ठीक है। यहाँ पे फिर से पता डालना है कि आपका परमानेंट पता क्या है। यहाँ पे डाल देना है अपना
करना है, एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि फादर्स का विवरण, यहाँ पे पिता का विवरण डाल देना है, जो भी है फार्मर है या फिर नौकरी है या बिजनेसमैन है। यहाँ पे रहेगा कि आपके पिता सैवधानिक पद पर धारण करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सब नो रहेगा, अगर कुछ आपका रहेगा तो आप यस कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोफेशनल से आए, आप जो इनकम बनाएंगे उसमें जो भी होगा 45-90-90 हज़ार, इसे में फिर फार्मिंग 00 कर देना है। यहाँ 90 हज़ार आ गया आपका। यहाँ माँ का नाम पूछ रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, पूछ रहा है, यहाँ पर डाल देना हाउस वाइफ, और यहाँ पे इनकम में उसका 00 कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका मेरा यहाँ पे अब कंप्लीट कर देना है, UW8W8 दोस्तों यहाँ पे डाल के सबमिट करना है। देखिए यहाँ पे गलत कैप्चा बता रहा है, कैप्चा देखिए सबमिट ले लिया दोस्तों। ये बनने के बाद देखिए यहाँ पे जो इशू किया नंबर, दोस्तों सबसे जरूरी ये नंबर है, ठीक है, इसको नोट करके रख लेना है। ये सर्टिफिकेट को आगे सबमिट कर देना है। इस सर्टिफिकेट को आगे सबमिट कर देना है यहाँ पे अटैचमेंट में डाल के। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी पूछ रहा है यहाँ डाल के सबमिट कर देना है, ये सबमिट हो जाएगा, फिर रिसिप्ट निकल जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो को देखें, पूरा शुरू से लास्ट तक बताएंगे। देखिए दोस्तों ये सर्टिफिकेट बन जाने के बाद फिर से यहाँ क्लिक करना है अप्लाई फॉर ऑल सर्विस, यहाँ पे क्लिक करना है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC माइग्रेंट बाय SDO एंड DC दोस्तों, इसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि रीजन ऑफ अप्लाई, क्या कारण है, कृपया अंचल अधिकारी द्वारा संदर्भ संख्या दर्ज करें। यहाँ पे देखिए नीचे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देना है जो भी है, जॉब के लिए है। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे सर्टिफिकेट जो उस समय अप्लाई किए थे, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे गेट डाटा करना है। गेट डाटा करने के बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट उसमें नाम रहेगा आपका टोटल इसमें फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सारा यहाँ पे फिल हो गया। उसके बाद यहाँ आपको कर देना है डिप्टी कमिश्नर या तो सब डिविजनल ऑफिसर, अगर आप DC से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर टिक कर दें, अगर आप सब डिविजनल से बनाना चाहते हैं अनुमंडल से तो यहाँ पे अनुमंडल में क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे यस कर दें कि हम मेरे जानकारी में सब सही है। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दें 8W9H1। उसके यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दें। यहाँ पे लिखना है हट गया, सबमिट कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये है अभी का रेफरेंस नंबर, ये है सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ का बना हुआ, ये सब आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इधर सीधा अटैचमेंट में जाना है। अटैचमेंट में जाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट बना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे उसी से रिलेटिव कुछ भी डाल देना है, डॉक्यूमेंट खतियान हो गया, रसीद हो गया, आधार कार्ड हो गया, अगर कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट करवाते हैं डाल कर यहाँ पे सेव अनक्षर कर देना है। ठीक है, सेव अनक्षर हो जाने के बाद दोस्तों आपका रिसीविंग निकल जाएगा, वो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और शेयर भी करें ताकि
हम अगला वीडियो बना सकें। दोस्तों अगर कोई भी वीडियो का जरूरत हो तो हमारे YouTube चैनल के नीचे कमेंट में लिखें। दोस्तों हम अगला वीडियो भी बना के आपको शेयर करेंगे। धन्यवाद।